नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चंस। ये वीडियो आपके अपकमिंग हाई कोर्ट क्लरिकल के एग्जाम, सब इंस्पेक्टर एग्जाम, टीजीटी कमीशन एग्जाम, पब्लिक सर्विस कमीशन का जो क्लरिकल का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वन है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या जो है वो इंडिया की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। चार ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 0.57%। 0.57% है हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या इंडिया की टोटल जनसंख्या के परसेंटेज के अकॉर्डिंग। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज 1200 किलोमीटर लॉन्ग एंड फ्लोज सम 122 किलोमीटर इन हिमाचल प्रदेश, हैज अ कैचमेंट एरिया 61,000 स्क्वेयर किलोमीटर आउट ऑफ विच 7500 स्क्वेयर किलोमीटर इज इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की ऐसी कौन सी नदी है जो टोटल 1200 किलोमीटर बहती है और हिमाचल प्रदेश में वो 122 किलोमीटर बहती है, जिसका टोटल कैचमेंट एरिया जो है वो है 61,000 और हिमाचल में उसका कैचमेंट एरिया है 75,000। जब एग्जाम में आपको घुमाकर थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए चेनाब। चेनाब नदी जो है वो टोटल बहती है 1200 किलोमीटर और हिमाचल प्रदेश में टोटल बहती है 122 किलोमीटर। टोटल कैचमेंट एरिया जो है इसका वो है 61,000 और हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो इसका कैचमेंट एरिया है 7500 स्क्वायर किलोमीटर। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब चेनाब के बारे में अगर आपसे घुमाकर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर थ्री है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज द ईस्टर्न मोस्ट रेंज दैट सेपरेट्स स्पीति एंड किन्नौर फ्रॉम तिब्बत। कौन सी माउंटेन रेंज जो है वो स्पीति और किन्नौर को तिब्बत से अलग करती है। आपको चार ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर थ्री का सही आंसर है ऑप्शन डी झांस्कर। झांस्कर पर्वत श्रृंखला जो है वो स्पीति और किन्नौर को तिब्बत से अलग करती है। याद रखिए, स्पीति और किन्नौर को तिब्बत से अलग करती है झांस्कर पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग पास इज नॉट द पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालयन रेंज। कौन सा दर्रा जो है वो ग्रेट हिमालय रेंज का भाग नहीं है। आपको चार ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी रोहतांग पास। रोहतांग दर्रा जो है वो ग्रेट हिमालय रेंज का पार्ट नहीं है। अच्छा, रोहतांग दर्रे की बात हुई है तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। रोहतांग दर्रा जो है वो जोड़ता है कुल्लू को लाहौल स्पीति से, और इसकी हाइट कितनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसकी हाइट। इसकी हाइट है 3978 मीटर। इसकी हाइट आप याद रखिए क्योंकि हाइट कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव, द फॉलोइंग हॉट वाटर स्प्रिंग वॉज डिस्कवर्ड बाय देन चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ कांगड़ा ए कोलमैन। कौन सा हॉट वाटर स्प्रिंग जो है वो चीफ मेडिकल ऑफिसर जो कि कांगड़ा के सीएमओ थे उनके द्वारा, जिनका नाम ए कोलमैन था, उनके द्वारा डिस्कवर किया गया है। आपको चार ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर फाइव का सही आंसर है ऑप्शन बी सलोल। सलोल गर्म पानी का चश्मा जो था वो डिस्कवर किया गया है कैप्टन ए कोलमैन के द्वारा। याद रखिए, सलोल गर्म पानी का चश्मा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और उसका सही आंसर है ऑप्शन बी सलोल। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, हाउ मैनी रिजर्व्ड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर देयर इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। कितनी कांगड़ा की सीट्स जो है, विधानसभा सीट जो है वो रिजर्व है शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब के लिए। आपके पास चार ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी थ्री। तीन सीटें जो है वो रिजर्व्ड है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की। अच्छा, पहले तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की कितनी टोटल सीटें हैं ये आपको पता होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से टोटल सीटें हैं 15, इनमें से तीन जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व हैं, और वो कौन कौन सी हैं। एक है इंदौरा जो कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की है, दूसरी है जयसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की, और तीसरी है बैजनौथ। ये तीनों सीटें जो है ये शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व हैं। याद रखिए, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की टोटल नंबर ऑफ असेंबली सीट्स हैं 15, और जिनमें से तीन जो हैं वो रिजर्व हैं शेड्यूल कास्ट के लिए। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन है, विच माउंटेन पास ज्वाइन लाहौल एंड स्पीति एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। कौन सा दर्रा जो है लाहौल को स्पीति से जोड़ता है। आपको चार ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्वेश्चन नंबर एट ऑप्शन ए कुंजुम। कुंजुम दर्रा जो है लाहौल को स्पीति से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज महाकाली लेक। महाकाली लेक जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। आपको चार ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर एट का सही आंसर है ऑप्शन डी चंबा। डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है महाकाली लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 9 है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश दुधोन ग्लेशियर, दुधोन ग्लेशियर जो है हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है ऑप्शन डी कुल्लू, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है दुधोन ग्लेशियर। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज बिल्ट इन पैगोडा स्टाइल, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर जो है पैगोडा वास्तु शैली में बना है। क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है ऑप्शन ए हिडिंबा टेम्पल, हिडिंबा मंदिर जो है वो बना है पैगोडा स्टाइल में। अच्छा, मंदिरों के आर्किटेक्ट स्टाइल की बात हुई तो जितने भी मंदिर पैगोडा स्टाइल में बने हैं उनको एक बार रिवाइज करते हैं। पैगोडा स्टाइल जो था हिमाचल प्रदेश में नेपाल से आया था, और पैगोडा स्टाइल के मंदिर हैं हिमाचल प्रदेश में हिडिंबा टेम्पल जो कि डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के मनाली में स्थित है, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर जो कि नग्गर में स्थित है, त्रियुगी मंदिर जो कि दियार कुल्लू में स्थित है, आदि ब्रह्मा टेम्पल जो कि कोकान में स्थित है, मनु टेम्पल जो कि मनाली में स्थित है, संग्रा टेम्पल जो कि किन्नौर में स्थित है, और परासर टेम्पल जो कि मंडी में स्थित है। ये सभी मंदिर जो है पैगोडा स्टाइल में बने हुए हैं, तो इन मंदिरों के बारे में आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, हंसा लेक इज सिचुएटेड इन हंसा झील कहाँ स्थित है। आपको 4 ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है ऑप्शन बी कुल्लू, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है हंसा लेक। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जितनी भी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं उनको एक बार रिवाइज करते हैं। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है दसहर लेक, सरितार लेक, भृगुसर लेक, सिरियोलसर लेक, द्योरी लेक, हंसा लेक, ब्यासकुंड, धनसार झील जो कि कांगड़ा और कुल्लू के बीच में स्थित है। तो इन लेक्स के बारे में आप याद रखिए जो कि डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश कवर फॉरेस्ट, हिमाचल प्रदेश का कुल कितना प्रतिशत भाग वनों से घिरा है। अब क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है ऑप्शन सी 66.5%, 66.5% एरिया जो है हिमाचल प्रदेश का वो कुल वनों से घिरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रीरियर टू जुजुराना द स्टेट बर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज, जुजुराना से पहले हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी क्या था। अब क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है ऑप्शन डी मोनाल, मोनाल जो था वो जुजुराना से पहले हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी था। क्वेश्चन नंबर 11 है, चांगिरजंग हॉट वाटर स्प्रिंग आर इन, चांगिरजंग गर्म पानी का चश्मा कहाँ स्थित है। अब क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है ऑप्शन ए किन्नौर, किन्नौर में स्थित है चांगिरजंग हॉट वाटर स्प्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 11 है, लैंग्वेज स्पोकन इन जुब्बल कोटकाई रोहडू, जुब्बल कोटकाई रोहडू में कौन सी भाषा बोली जाती है। क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है ऑप्शन डी बेरबेरी भाषा, बेरबेरी लैंग्वेज जो है बोली जाती है जुब्बल कोटकाई और रोहडू के क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर 16 है, हु वाज द रूलर ऑफ कांगड़ा व्हेन चाइनीज पिलग्रिम ह्यून सांग विजिटेड देयर इन 635 एडी, उस समय कांगड़ा का राजा कौन था जब चीनी यात्री हेंद सांग 635 एडी में कांगड़ा आया था। अब क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है ऑप्शन सी उतीतो, राजा उतीतो जो थे वो कांगड़ा के राजा थे उस समय जब हेंद सांग ने कांगड़ा विजिट किया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, हु वॉज द रूलर ऑफ सुकेत व्हेन कैपिटल ऑफ स्टेट वॉज शिफ्टेड फ्रॉम लोहारा टू करतारपुर, उस समय सुकेत के राजा कौन थे जब सुकेत की राजधानी को लोहारा से करतारपुर स्थानांतरित किया गया था। क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है ऑप्शन बी करतार सेन, उस समय सुकेत के राजा थे करतार सेन जब सुकेत की राजधानी को करतारपुर स्थानांतरित किया गया था लोहारा से। क्वेश्चन नंबर 18 है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्पेंड नंबर ऑफ मंथ्स एट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कुछ महीने कहां गुजारे थे। अब क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है ऑप्शन बी डलहौजी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कुछ दिन जो थे वो डलहौजी में गुजारे गए थे। क्वेश्चन नंबर 19 है, मझथाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन मझथाल, वन्य जीव अभ्यारण कहाँ स्थित है। अब क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है ऑप्शन बी सोलन, डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है मझथाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अच्छा, बात हुई है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो डिस्ट्रिक्ट सोलन में जितनी भी इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उनको एक बार रिवाइज करते हैं। डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है चाइल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है दारला घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है मझथाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और एक और इम्पॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये याद रखिए, सबसे छोटी सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्ट्रिक्ट सोलन में है और सबसे बड़ी किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लाहौल स्पीति में है।
ये बेसिक्स आप याद रखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 20 है, वजीर राम सिंह बिलोंग टू दी प्रिंसली स्टेट, राम सिंह किस रियासत के वजीर थे। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है ऑप्शन सी नूरपुर, नूरपुर के प्रसिद्ध वजीर थे वजीर राम सिंह। क्वेश्चन नंबर 21 है, हरिपुर वॉज द कैपिटल ऑफ प्रिंसली स्टेट, हरिपुर किसकी राजधानी थी। अब क्वेश्चन चार ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी गुलेर, गुलेर की राजधानी हुआ करती थी हरिपुर। अच्छा गुलेर की बात हुई है तो आपको पता होना चाहिए गुलेर की स्थापना की गई थी राजा हरिचंद के द्वारा और 1405 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। याद रखिए कब की गई थी, 1405 ईस्वी में इसकी स्थापना राजा हरिचंद के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 22 है, द बुक हिमाचल प्रदेश परिचय वाज रिटन बाय, हिमाचल प्रदेश परिचय किताब के लेखक कौन है। आपको चार ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर है ऑप्शन एफ देवराज, देवराज के द्वारा लिखी गई थी हिमाचल प्रदेश परिचय किताब। अच्छा अब बात हुई है इम्पोर्टेंट बुक्स की, तो मैंने बताया है कि इम्पोर्टेंट बुक्स को याद रखने का एक ही तरीका है कि जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हैं इनको उतनी बार रिवाइज कीजिए, जितनी बार भी आप इन किताबों को रिवाइज करेंगे उतने लंबे समय तक आपको ये किताबें याद रखेंगी। तो चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं इम्पोर्टेंट बुक्स को। तारीख रियासत सिरमौर किताब लिखी गई है रणजौर सिंह के द्वारा, बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर और बिलासपुर अ पीपल ऑफ बैटरियाड राजा अनंत चंद के द्वारा लिखी गई है, और राजा अनंत चंद जो थे वो बिलासपुर के अंतिम राजा थे। कुल्लू देश की कहानी किताब लिखी गई है लालचंद प्रार्थी के द्वारा, किन्नर प्रदेश और हिमालयन परिचय किताब राहुल संकृत्यान के द्वारा लिखी गई है, और हिमालयन आर्ट किताब जेसी फ्रैंक के द्वारा लिखी गई है, प्राचीन हिमाचल एलपी पांडे के द्वारा लिखी गई है, अबाउट ऑफ गॉड एंड्रयू विल्सन के द्वारा लिखी गई है, शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट किताब ईजे बक के द्वारा लिखी गई है, हिमाचल प्रदेश परिचय और हिमाचल अतीत वर्तमान और भविष्य एक झलक किताब लिखी गई है देवराज शर्मा के द्वारा, ट्रैवल इन कश्मीर एंड लद्दाख लिखी गई है विग्ने के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट किताबें हैं, इन किताबों के बारे में आप याद रखिए क्योंकि किताबों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, एचपीएमसी वाज एस्टेब्लाइज्ड इन, एचपीएमसी की स्थापना कब हुई। क्वेश्चन चार ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर है ऑप्शन डी 1974 में स्थापना हुई थी एचपीएमसी की। अच्छा एचपीएमसी का पूरा नाम क्या है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एचपीएमसी का पूरा नाम कई बार जब मेंस एलाइड मेंस या आपका कोई भी मेंस का एग्जाम होता है तो उसमें एचपीएमसी का पूरा नाम पूछा जाता है। तो एचपीएमसी का पूरा नाम है हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉरपोरेशन। इसका नाम आप याद रखिए क्योंकि नाम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, और इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी आप याद रखिए, इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। इसके साथ ही आप याद रखिए हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हिप्पा की स्थापना कब हुई थी, तो हिप्पा की स्थापना हुई थी 1974 में। ये मैं डेली आपको बताता हूँ, और हिप्पा की स्थापना किसने किसके द्वारा की गई थी, तो आर डिक्सन के द्वारा हिप्पा की स्थापना की गई थी। इतना बेसिक सा आप याद रखिए एचपीएमसी के बारे में और हिप्पा के बारे में। क्वेश्चन नंबर 22 है, मनछेत्री हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज इन, मनछेत्री परियोजना कहाँ स्थित है। क्वेश्चन चार ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी चंबा, चंबा में स्थित है मनछेत्री परियोजना। अच्छा मनछेत्री परियोजना जो है कौन सी नदी के ऊपर बनी हुई है, तो ये रावी नदी के ऊपर बनी हुई है, और ये कितने मेगावाट की है, तो ये 100 मेगावाट की है। ये याद रखिए मनछेत्री परियोजना के बारे में। क्वेश्चन नंबर 25 है, गेरू पास इज लोकेटेड इन, गेरू जोत कहाँ स्थित है। क्वेश्चन चार ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी कांगड़ा, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है गेरू जोत। अच्छा गेरू पास की बात हुई है तो पता होना चाहिए कि इसकी हाइट कितनी है, तो इसकी हाइट है 4660 मीटर। इसकी हाइट याद रखिए 4660 मीटर इसकी हाइट है, और ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है। इतना बेसिक सा आप याद रखिए गेरू जोत के बारे में। इसके अलावा कांगड़ा में एक और इम्पोर्टेंट जोत है जिसका नाम भी आपको पता होना चाहिए, वो है मकोड़ी जोत। मकोड़ी जोत डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है, और मकोड़ी जोत की हाइट है 5190 मीटर। ये दो जोतें हैं इम्पोर्टेंट जोतें, इन जोतों के बारे में आप याद रखिए। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन ऑन कालका शिमला रेलवे लाइन वॉज फ्लैग्ड ऑफ इन, कालका शिमला रेलवे लाइन ट्रैक पर पहली ट्रेन कब चली थी। आपके पास चार ऑप्शन है, अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।